नमस्ते मम्मी। अरे नहीं 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 बेटा, ये नाटक बिल्कुल नहीं, पाँव छूने का नाटक बिल्कुल मत करो। बेटा देखो, इज्जत जो है ना वो दिल में होनी चाहिए। प्यार दिल में होता है बेटा, ये सब पाँव वाँव छूने से कुछ नहीं होता। बगल वाले के घर में आते हो, खाना खा के चले जाते हो, एक बार भी नहीं लगता कि मामी कैसी है, एक बार देख के आऊं, मामी से थोड़ा बात करके आऊं, नहीं लगता है ना? ऐसा नहीं है मामी। ऐसा नहीं है? कैसा नहीं है बेटा? हम तो ये नहीं कह रहे ना कि ये कहो कि मामी हम आपसे बहुत प्यार करते, ना ना ना, ये सब मत कहो, बिल्कुल मत कहो, पर दिखाओ तो सही कितना प्यार करते हो, है ना पालोमी? हमने ठीक कहा है ना? अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? हाँ, तुम क्या कहोगी? तुम तो कुछ कहना जानते ही नहीं हो, चाहे जो कोई कुछ भी कह जाए तुम्हें, तुम तो गाय की तरह चुप बैठी रहती हो, है ना? डॉली जी, आज आप सुबह सुबह ही? सुबह सुबह क्या? सुबह सुबह आपका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है। भगवान ना करे हमारा मूड उखड़ा उखड़ा रहे, बल्कि आज तो हम बहुत खुश हैं। इतने दिनों के बाद आनंद भाई साहब की फोटो अखबार में जो छपी है। भैया की फोटो अखबार में आई है? हाँ, तुम समझती क्या अपने भाई को? बहुत ऊंची तोप है वो, ऊंची तोप, ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़ा नाम है उनका। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं देख के आती हूँ कौन सा अखबार में फोटो आई। भागी कहाँ जा रही हो? यहाँ इस अखबार में, यहाँ पे है। अब तो रत्ना भाभी यहाँ पर लांग कर आ जाएगी, है ना? अब इस तरह क्यों घूर रही हो तुम और तुम्हारी माँ? जब देखो हमें गुस्से से घूरते रहते हैं। हमने क्या किया? हम तो बल्कि खुशी में शामिल होने आए हैं। अब आनंद भाई साहब जो कुछ भी कर रहे हैं खुशी से ही कर रहे हैं ना? फोटो खिंचवाई होगी इसीलिए ना छपी है। आनंद भाई साहब रत्ना के साथ पार्टी में गए ही होंगे, ये सब मन मार के तो नहीं कर रहे हैं, है ना? इन लोगों को देखो, जब भी देखो गुस्से में आ जाते, पूरे घर वाले जरा सी बात कही नहीं कि गुस्से में आ जाते। पढ़ा तुमने? दोनों की फोटो छपी है शेमलेस पीपल। बेशर्मी की भी हद होती है। एनीबडी क्लिक्स अ फोटोग्राफ लाइक दिस? ठीक है ना, तुम अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से ही काम रख रही हूं, बट मुझे कभी लगा नहीं था कि आनंद इस तरीके का आदमी निकलेगा। अरे बातें तो इस तरीके से करता था जैसे कि पूरी दुनिया में उसके जैसा शरीफ आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। और हरकतें देखो इसकी, चोर कहीं का, धोखेबाज। प्लीज शट अप सारा। अगर मैं आनंद को कुछ कह रही हूँ तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? आनंद ने तुम्हें कुछ किया है? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? वो जाने और रत्ना जाने। और तुम? वो मैं जानू। जब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है तो तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? बेशरम लोग धोखा देकर रिश्तों की चोरी करते हैं, और इस बदतमीज आदमी को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि उसकी बीवी घर छोड़कर कहीं और जाकर रह रही है। सारा, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? ओह प्लीज पिया, फॉर गॉड सेक, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। मैं सिर्फ इस बदतमीज आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रही हूँ। गैर जिम्मेदार आदमी है ये। वो कौन है? मेरा? तुम्हारा पति है। ये तुम कह रही हो? तुम जो हमेशा मुझे समझाती थी कि आनंद और मेरा अब कोई लेना देना नहीं, तुमने आनंद को भी समझाया था ना कि उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब वो दोबारा यहाँ ना आए। अब एक आनंद की तस्वीर तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचा रही है? हाँ पहुंचा रही है। कुछ बातें कही जाती है, बोली जाती है, पर जब कुछ बातें अपने पे आजमाई जाती है ना तो बहुत तकलीफ होती है।
और मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ओह प्लीज फॉर गॉड्स सेक, ये तरस नाम का शब्द मेरे लिए इस्तेमाल मत करना, समझी? आई कांट स्टैंड इट। और मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ और हो भी जाऊंगी बहुत जल्दी। और आनंद को मेरे सामने गालियां मत देना, प्लीज लिव योर ओन लाइफ। तुम और मोहन दिन में 25 बार झगड़ते हो, मैंने आज तक कभी बीच में दखल दिया? मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मोहन दूसरी औरत के साथ ये सब कुछ करके तो दिखाए, 2 मिनट में छोड़ दूंगी उसे। तो मैं भी छोड़ ही चुकी हूँ ना सारा, मैं कहाँ हूँ उसके साथ? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब वो रत्ना के साथ कुछ भी करे, मेरा उसके साथ क्या लेना देना? मैं तुमसे थक चुकी हूँ। देखो मैं उससे अलग हो चुकी हूँ, but when you abuse him, I really don't like it. Okay? Sorry. अब तक प्यार तो करती हो तुम उससे? अब बता, तेरा हाल कैसा है? हाँ? ठीक हूँ मैं। कभी-कभी आ जाया कर। हम और तुम्हारे मामा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा, सच्ची में। अब ऐसे मन मताओ देर सवेर तो होते ही रहते हैं, है ना? तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि आदमी घर छोड़कर चले जाए, है ना? तेरे मामा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब चल, अब बता उनके घर में क्या चल रहा है? अब मैं ये सब बातें क्या जानूं मामी? ओए झूठ मत बोलना। सुबह सुबह यहाँ पर आ जाता है, खाना खा के जाता है, रात का खाना खा के जाता है, पराठे खा के जाता है, और तुझे नहीं पता तो किसको पता होगा? हाँ चल बता यहाँ क्या हो रहा है। मामी ये सब बातें अब करना छोड़ दो, इन सब बातों से ही झगड़े होते हैं। नहीं नहीं बेटा, झगड़े नहीं होते हैं। देख आस पड़ोस में रहते हैं, अब भाईचारे के साथ रहना चाहिए ना। एक दूसरे के दुख सुख की बातें नहीं बांटेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा चल ये बता दे, ये पलोमी का चक्कर कुछ यश नाम के लड़के के साथ चल रहा है ना? ये गलत है मामी। तेरे साथ भी तो नहीं चल रहा है ना? मामी प्लीज। अच्छा चल ठीक है, ये बता दे कि तुझे क्या लग रहा है, आनंद भाई साहब रत्ना से शादी कर लेंगे क्या? मामी मैं कुछ नहीं जानता। चलो हमें देर हो रही है, कॉलेज जाना है। हाय हाय इन्हें देखो, हमें देखते ही इनको और इनकी माँ को काम याद आ जाता है। इनको तो कॉलेज भी याद आ गया, और एक हम ही हैं जो इनके पीछे पड़े रहते हैं, मरते रहते हैं। चल डॉली। चलो उफ, उफ, मिर्ची। हाय हाय मिर्ची। मम्मी जी तुमने हमारी तस्वीर देखी? वही देख रहा हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, यू एंड आई। ये तो पहली बार हमारी तस्वीर छपी है अखबार में, अब तो बस यू एंड आई विल बी स्प्लैश्ड ऑल ओवर। ये तो हमारी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी साथ में। क्यों, भास्कर की पार्टी में भी तो गई थी तुम? पर मैं उसे पब्लिक अपीयरेंस नहीं मानती हूँ, एक तो मैं वहां किसी को जानती भी नहीं थी। आई जस्ट केम फॉर यू। भास्कर को तो जानती थी वो भी अच्छी तरह। इसे देखा जाए तो तुम्हारी इस पार्टी में मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ पर मैंने तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस तो करवाया। रत्ना बुरा ना मानो तो आइंदा मैं तुम्हारी ऐसी पार्टीज में नहीं आया करूंगा। क्यों? बोर हो जाता हूं मैं, इसको जानता नहीं हूं, क्या बातें करते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भी I'm not a party man, प्लीज आइंदा तुम अकेले ही जाया करो। स्वीट हार्ट पहले तो ये वाली बात छोड़ दो कि आई एम नॉट ए पार्टी मैन। ऐसी बात तो नहीं है कि तुम कभी पार्टी में नहीं जाते हो या कभी गए नहीं हो। यू लव पार्टीज, तुम्हें लोग पसंद है आनंद,
और क्या तुम पिया के साथ पार्टी में नहीं जाते थे? जहां तक मुझे याद है, मैं जब भी तुमसे बात करती, तुम रोज कहीं ना कहीं डिनर पर होते या किसी पार्टी में। यू लव पीपल आनंद। रत्ना, मैं वैसा नहीं हूं। पिया बाहर जाना पसंद करती थी, वो लोगों से मिलना चाहती थी, नॉट मी। ओके, तो फिर मेरे लिए करो। आई लव गोइंग आउट, आई लव पार्टीज, और तुम पिया के लिए करते थे तो अब मेरे लिए करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, यू विल डू इट ना? या अभी भी डर है कि फोटो छप गया, पिया ने देख लिया होगा, वो क्या सोचेगी? घर वालों ने देख लिया होगा, माँ ने देख लिया होगा। आनंद, सबको पता है कि हम साथ में रह रहे हैं, एवरीबॉडी इन टाउन नोज दैट, और सबको पता है कि हम बहुत जल्द शादी भी करने वाली है। इनफैक्ट पिया को भी मालूम है। Yes, I told Pia. तुम पिया से कब मिली? कब बताया तुमने ये सब? तुम्हें याद है जिस दिन मैं बाहर जा रही थी तैयार होके, और तुमने मुझे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैंने कहा था कि कोई जरूरी काम है, जैसे काम हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। एनीवे, इनफैक्ट उस दिन मैं पिया से मिलने जा रही थी, हम रेस्टोरेंट में मिले थे। हाँ, आगे बताओ ना। आनंद, मैंने उसे बता दिया कि हम इंगेज्ड हैं। मैंने अपनी अंगूठी दिखाई और ये भी बता दिया कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आनंद, पिया हैज नो प्रॉब्लम, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट उसने हमें विश किया है। सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम है। पिया तो अपनी जिंदगी आगे चला रही है, सिर्फ तुम अटक गए हो। तुमने पिया को बता दिया कि हम शादी करें? हाँ, क्यों? मैंने झूठ कहा क्या? क्या हम शादी नहीं करने वाले? अब बता क्यों आई है? मम्मी जी, हम तो आपको मुबारकबाद देने आए हैं जी। मुबारकबाद किस बात की? आज का अखबार देखिए, आपका बेटा मशहूर हो गया है। देखिए, फोटो छपी है रत्ना के साथ। अब तो सबको पता भी चल गया है कि दोनों शादी करने वाले हैं। तुझसे किसने की है बकवास? मम्मी जी, बकवास नहीं है, अब तो दुनिया को भी पता चल गया, दोनों साथ जो रहने लगे हैं। आनंद भाई साहब तो घर भी नहीं आते, और पिया तो घर छोड़ के चली ही गई है। फिर हो गई तेरी बकबक, अब जा यहाँ से। नहीं मम्मी जी, अगर यही बात कहनी हो तो हम बहाने क्यों बनाते? सचमुच टीवी नहीं चल रहा, इसलिए तो। डॉली, जाती है कि नहीं तू? हाँ, अखबार आप रख लीजिए, आराम से देख लीजिए। बेटे का फोटो, आकाश और तुम्हारे रिश्ते में तुम आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, बट वी आर नॉट श्योर कि आकाश भी तुमसे प्यार करता है या नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता है या, पर मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है। Well, I don't know that. इसलिए तो मैंने पूछा कि दोस्ती और प्यार की सीमा कितनी लंबी या छोटी होती है। देख, उसका अंदाजा तो प्यार का खेल खेलने वाला खिलाड़ी लगा सकता है, उससे ज्यादा किसी को क्या पता होता है। पर हाँ, कभी कभी अंदाजा गलत भी हो सकता है, तभी तो उसे अंदाजा कहते हैं। यू सी, रॉन्ग जजमेंट्स। अच्छा दीदी, उस लड़की का क्या हुआ जिसे आकाश पसंद करता था? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं आकाश के लव लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं थी। हाँ, कभी कभी उन दोनों की बातें सुन लिया करती थी। That girl, she was in love with someone else.
और उसने उसके साथ शादी भी की थी एंड आई थिंक वो यही मुंबई में सेटल्ड है. हाउ सैड. आकाश के लिए दुख होता है ना, तुम जैसे चाहो वो ना मिले. वेल दैट इज लाइफ. ट्रू. पता है आज की तारीख में आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया. माई वेरी गुड फ्रेंड. इनफैक्ट मेरी और आकाश की दोस्ती आकाश और राजीव की दोस्ती से भी ज्यादा गहरी. और पता है ऐसी कई बातें जो आकाश राजीव के साथ शेयर नहीं कर पाता है पर वो मेरे साथ करता है. तो उसने कभी तुम्हें ये नहीं बताया कि वो मुझे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता है या नो? और तुमने पूछा भी नहीं होगा. नहीं, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे पूछ सकती हूँ. नहीं, मुझे अंदाजा ही लगाने दो. लेट मी सी इफ माई जजमेंट इज राइट और रॉन्ग. तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब? अरे आप ही ने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है. कब? लगता है आप भूल गए. आपने मुझसे फोन करके कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ. मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी कर? Why would I call you? अरे भाई आप भूल रही हैं लगता है. आपने मुझसे फोन करके कहा कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है और मैं यहाँ चला हूँ, इसलिए मैं आ गया. देखो फिर भी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती. और मैंने उसी दिन तुमसे कहा था ना कि जो कुछ तुम कहना चाहते हो ना वो मैं सुनना नहीं चाहती. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आनंद और पिया की जाती जिंदगी में कोई और आए. ओके एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट प्लीज करेक्ट यू. आनंद और आपकी जाती जिंदगी कहाँ से है? ओके शायद नहीं होगी. But will you please stop doing all this? I can stop everything. मैं तो यहाँ आता भी नहीं, वो तो आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गया. खैर मुझे बुलाने के बाद आप भूल रही हैं तो कोई बात नहीं. मैं तो बस यहाँ आपकी बेहतरी के लिए आया. कुछ बातें हैं जो आपको बतानी थी जैसे कि. But you see, I'm not interested. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आनंद और प्रिया फिर से एक हो रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रिया आनंद के घर फिर से जाने लगी तो क्या आप इसके बाद भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो?